हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शुवी। आज दो ऐसी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे जो थोड़ी सी ट्विस्टेड है। एक ट्विस्टेड है लोकी, क्योंकि वो आदमी ही ट्विस्टेड है, और टॉम हिडलस्टन ने जिस तरीके की यहाँ पर एक्टिंग करी थी, फ्रॉम विलन टू पार्शियल सेवियर, या फिर बोल सकते हैं कि एक एंटी हीरो टाइप का जो उसका इमेज था, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। और टीवीए की जो पूरी कहानी थी, इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगी। और जिस तरीके से इसको शूट भी किया गया, जो बैंटर रखा गया, कॉमिक टाइमिंग जो थी टॉम की, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी थी। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि सीज़न 2 की पर स्क्रिप्टिंग शुरू हो गई है, प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है। अब नया खबर ये है कि इसकी शूटिंग भी शुरू हो चुकी है, और इसमें जो विलन है उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कैंगी होने वाला है। और ये पूरा जो सिलसिला है, आपको टीवीए का एंड होता हुआ और साथ ही साथ में जो विलन है कैंग कैसे आगे लेके जाते हैं वो होगा। इनमें से कोई मरने मराने वाला नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबा चलने वाला है ये। जो सीज़न 2 है उसकी भी जो एपिसोड हैं वो 6 ही होंगे, आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगी, और सिलसिला वही होने वाला है यार कि एक एक करके आपको देखने को मिलेगा। अब नवंबर ऑनवर्ड्स या तक ये ख़त्म होके अपने पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर चली जाएगी, जिसके अंदर करीबन 6 महीने का वक्त लगेगा इसको पोस्ट प्रोडक्शन में। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे इस सीरीज़ को, तो स्काई से लेके बैकग्राउंड से लेके काफ़ी कुछ VFX से भरा हुआ है इसके अंदर। बहुत एनिमेशन होता है इसके अंदर, बहुत VFX होते हैं, काफ़ी कॉस्ट्यूम चेंजेस होते हैं, और जो लोग भी हैं उसके अंदर प्रोस्थेटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसको करने कराने के लिए करीबन 6 महीने का वक्त लगेगा, और आपको मई के आसपास 2023 के अंदर आपको लोकी का सीज़न 2 देखने को मिलेगा। आई एम श्योर इट विल बी वर्थ द वेट, क्योंकि जिस तरीके के बैंटर हमने देखे हैं लोकी के और काफ़ी सारे लोगों के साथ, एक्चुअली हर एक के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। और ये जो इमेज बन रही है ना टू एन एंटी हीरो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि धोखा देना तो ये छोड़ेगा नहीं, लेकिन ये जो एंटी हीरो वाला एलिमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर होता जा रहा है। उधर DC का भी एक एंटी हीरो आने वाला है, और ब्लैक एडम, उसके लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब चलते हैं कोरियन वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर अगर आपने बहुत सारी ऐसी इस तरीके की सीरीज़ देखी है जिसके अंदर जॉम्बीज होते हैं, तो आपको पता होगा कि अगर आप किंगडम की बात करें, या फिर आप ऑल ऑफ अस आर डेड उसकी बात करें, तो ये वन ऑफ द टॉप शोज़ हैं जहाँ पर आपको इमोशंस, कैरेक्टर्स भर भर के दिखते हैं, और इतने सारे कैरेक्टर्स दिखते हैं कि उनकी स्टोरीज के साथ आप बिल्कुल ही घुल मिल जाते हो, और जो आप सोचते हो जॉम्बी नहीं बनेगा, अल्टीमेटली वो भी जॉम्बी बन जाता है। और एक एक करके इनको मरते हुए देखना, जॉम्बी बनते हुए देखना, सर्वाइविंग जो टैक्टिक्स होती हैं इनकी, वो देखना आपको काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग लगता है। तो ऑल ऑफ अस आर डेड का जो सीज़न 2 है वो भी दोस्तों अब रिन्यू हो चुका है, इसका प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है, और इसकी जो शूटिंग है वो Q4 ऑफ 2022 यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, और करीबन Q2 ऑफ 2023 मतलब 6 से 8 महीने इसकी शूटिंग ही चलेगी, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी आप लीचर पतेड़ बहुत ज़्यादा देखते हो। और करीबन आपको दिसंबर 2023 के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। पहले बीच में कुछ खबर ये भी थी कि 2024 के अंदर Q1 के अंदर आएगी, बट थोड़ा सा प्रीपोन है ये, क्रिसमस के आसपास आप इसको एंटिसिपेट कर सकते हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, दो अच्छी सीरीज़ आने वाली हैं जल्दी, लेकिन वो भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ये दोनों 2023 वाले मामले हैं। तो हम जल्दी मिलेंगे एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।